Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Guys, आज मैं आपको बताता हूँ, पिछली वीडियो में मैंने बताया था पबजी में हम नोच को कैसे फिक्स करेंगे, लेकिन इस बार का टॉपिक है पबजी में जो नाम को रिनेम करते हैं रिनेम कार्ड से, तो उसको हम स्टाइलिश में जो मतलब एक प्रोफेशनल प्लेयर करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कि उनमें इमोजीज लगे हुए होते हैं और वो नाम को किस तरीके से करते हैं और नाम में स्पेस भी किस तरीके से देते हैं, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, तो सबसे पहले हमें एक ऐप डाउनलोड करना है नाम स्टाइलिश फॉन्ट के लिए। तो उसके लिए प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे पबजी नेम फॉन्ट, तो सर्च किया हुआ है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऐप आएगा टेक्स्ट फॉर जनरेटर इन कोड मैसेज, तो इसे हम अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड हो रहा है, बस थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जैसे कि ये ऐप डाउनलोड हो गया है, हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंबल, तो ये हमारे यहाँ पर सिंबल आ गए हैं बहुत सारे, लेकिन इसमें से कुछ एक्सेप्ट होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो हम नेम आपने देखा होगा कुछ ज़्यादातर ये वाला फॉन्ट यूज़ करते हैं, ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे एक बार और इसको पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ पर जो भी हमें नाम रखना है वो हम नाम रख देंगे। जैसे हमें लिखना है यहाँ पर जुनेद, JUNAID जुनेद, तो अभी हमने नाम लिख दिया है। अब यहाँ पर देखना आप स्पेस नहीं है, तो अब हमें स्पेस भी लेना है। तो पहले तो हम इस नाम को यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में हम जाएंगे अब गेम पर, तो पबजी गेम को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये ओपन हो गया है, हम यहाँ पर जाएंगे इन्वेंटरी में, तो इन्वेंटरी में हम यहाँ पर जाएंगे तो हमारे सामने खुलकर ऑप्शन आ जाएंगे। तो हम नीचे सबसे नीचे जो बॉक्स दे रखा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पर एक आईडी कार्ड है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर यूज़ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नाम डालने के लिए आ रहा है, जो हमने नाम कॉपी किया था वो हमारा ये है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो वो नाम हमारा आ गया। अब हम इसको करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए इसमें स्पेस नहीं आ रहा, हम इस पर स्पेस किस तरीके से देंगे। तो स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो आई वाला बटन है उस पर क्लिक करेंगे और इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ये वाला, और इस वाले आई को हम सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर भी इसी आई को हम सिलेक्ट कर देंगे। तो अब देखेंगे कि आप ऑटोमेटिक नाम में स्पेस आ चुका है, तो ये देखिए नाम में स्पेस आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, बस यहाँ पर सिंपली इसको ओके कर देंगे, तो हमने यहाँ पर ओके कर दिया। अब ये नाम देखिए हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ पर बैक कीजिए इसको, बैक करने के बाद अब यहाँ पर देखो प्रोफाइल में जाकर देखेंगे तो आपका नाम चेंज हो चुका है। ये देखिए आप नाम चेंज हो गया है और स्पेस भी इस नाम में यूज़ हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आए तो उसके लिए हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।